से इसको छील लेंगे। ऐसे छील जाने के बाद ऐसा पूरा, उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। ऐसे इसको काट लेंगे। इसको ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे साइज में। दो मिर्ची मैंने काट लिया है, लहसुन काट लिया है दो, और प्याज एक छोटा सा ऐसे चॉप कर लेंगे। अभी कढ़ाई रख के ये करेंगे, तेल डालेंगे थोड़ा सा इसमें। आप दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं, मैंने पूरियां तली थी सुबह इसलिए मैंने ये कढ़ाई यूज किया था। थोड़ा सा मेथी, मेथी थोड़ा सा, जीरा, अभी इसमें मिर्ची डालेंगे जो काट के हमने रखा है। मिर्ची देखिए हो जाएगा, फिर प्याज, ये सब प्याज हो जाए, फिर इसमें ये सब्जी डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको ढक देंगे ऐसे और इसको थोड़ा पकने देंगे। इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पे रखेंगे। अभी देखते हैं, ऐसे गल के हो जाएगा। इसको खूब अच्छे से ऐसे मेल्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से ऐसे मेल्ट करके 10 मिनट रखने से धीमी आंच पे गल जाता है, पानी थोड़ा से छोड़ता है। इसको अच्छे से मेल्ट करके अभी हो गया है, देखेंगे अभी अच्छे से। पानी भी इसका सूख गया है, हो गया है। बस अब इसको गैस बंद कर देंगे, इसको उतार लेंगे। इसको अभी थोड़ा टेस्ट करा के बताओ कैसा। गरम गरम है, इसको ठंडा करके खिलाए। भूख मार के ठंडा करके फिर खिलाए। लॉकडाउन में हंसते मुस्कुराते रहे।